वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जिंदगी जीने के आप लोगों के दो तरीके हैं, एक तो जो आप लोगों को मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, और दूसरा जो आप लोगों को चाहिए उसके लिए इतनी मेहनत करो कि उसको अचीव कर छोड़ो। अब कौन सा गोल आप लोगों को अपनी जिंदगी में सेट करना है वो आप लोग डिसाइड कर लो, पर लेकिन जो भी गोल आप लोग डिसाइड करो वो गोल ऐसा होना चाहिए अगर रियलिटी में आप लोग अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, रियलिटी में आप लोग चाहते हैं कि जहां पर आप लोग हो उससे आगे आप लोग अपनी जिंदगी में निकलो, तो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे गोल सेट आप लोगों को करने हैं जो कि आप लोग के कंफर्ट जोन में आप लोगों को न रहने दें। कंफर्ट जोन का मतलब क्या है, जिंदगी जैसी चल रही है बस वैसी चल रही है, मजा आ रहा है जीने में, कोई जरूरत ही नहीं है गोल सेट करने की, एंजॉय करते रहो फिर, यानी कि सिलेक्शन नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, जिंदगी बर्बाद हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, भाई साहब चारों तरफ से गालियां मिल रही है कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, मजे आ रहे हैं सुनने में गालियां, ठीक है, लोग कोस रहे हैं कि कुछ करेगा भी या नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, मजे आ रहे हैं। अगर ये वाली जिंदगी चाहिए तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसी चल रही है चलने दो ना, क्या करना है फालतू में टेंशन किसको लेनी है, हैं चलने दो। पर लेकिन अगर आप लोगों को लगता है ये जिंदगी जो है बड़ी घटिया चल रही है, इस जिंदगी को सुधारना है, ये जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, अब तो कुछ अच्छा होना चाहिए, तो फिर कुछ ऐसे गोल सेट करो जो आप लोग सोने भी जाते हो ना तो सोते टाइम भी आप लोगों को पता चले कि नहीं, अपनी नींद भी हम लोग को एक तरीके से गाइड करनी है, अपनी नींद भी हम लोग को एक तरीके से मैनेज करनी है, अपनी बॉडी भी हम लोग को मैनेज करनी है, यानी कि एक तरीके से हर लेवल पर आप लोगों को मैनेजमेंट करना पड़े, अपनी बॉडी को फिट रखना पड़े उस गोल के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आप लोगों को अपनी नींद को मैनेज करना पड़ेगी, इतने घंटे से ज्यादा सोओगे तो बर्बाद हो जाओगे, उसी के लिए आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। जब जब चीजें आप लोगों को ज्यादा मैनेज करनी पड़ने लगे ना, इसका मतलब समझ लेना अब गोल का लेवल बढ़ चुका है, पर लेकिन जब चीजें आप लोगों को लगेगी अरे यार कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है बस मजे ही आ रहे हैं जिंदगी जीने में, तो इसका मतलब बर्बादी हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें समझा करो, और ये चीजें जिस दिन समझना स्टार्ट कर दोगे उस दिन आप लोग चक्षु खुलेंगे, और चक्षु खुलेंगे तो आप लोग चीजों को और अच्छे से करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर में, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो वो वाले जो कि स्कूल में आज पता चला कि यार किसी की डेथ हो गई है, कोई दिक्कत हो गई, छुट्टी हो गई, उनके मजे आ गए, वाओ यार छुट्टी हो गई अब जिंदगी के मजे लेने हैं, ठीक है। एक वो बच्चे होते हैं चलो यार छुट्टी हो गई तो कुछ और पढ़ लेते हैं, अपना रिविजन कर लेते हैं। अगर पहले वाली कैटेगरी के बच्चे हो आप लोग तो वीडियो को यहीं पर बंद कर दो, क्यों, क्योंकि हिंदू आज नहीं है, ठीक है। और अगर दूसरे वाली कैटेगरी के बंदे हो कि चलो आज कुछ अच्छा नया सीखते हैं, आज कुछ नया पढ़ लेते हैं, तो फिर वीडियो के साथ में बने रहना, क्योंकि आज जो है इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे आर्टिकल, आज कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल डिस्कस करूंगा जो आप लोगों को सुनने में मजा आएगा, ठीक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, आसपास वाले एरिया में भी अगर कुछ ऐसी चीजें होंगी तो उसके बारे में आप लोगों को जानने का मौका मिलेगा। तो यानी कि आज हिंदू पब्लिश नहीं हुआ है, कल गणेश चतुर्थी थी उसके चलते, तो इसके चलते आज जो मैं आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं, जो मुझे लगता है ना कई बार ये आर्टिकल यार मुझे डिस्कस करने चाहिए थे, ठीक है, तो वो वाले आर्टिकल डिस्कस करूंगा, तो आप लोग इसको एंजॉय करोगे, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी पर लेकिन जितनी होगी शानदार होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट कीजिए, यहां पर बात की जा रही है बेसिकली स्टेटमेंट के बारे में, रिश्ता पोर्टल के बारे में बात की जा रही है, कनेक्टिंग विद द इंडियन डायस्पोरा, ठीक है। तो ये है पहली स्टेटमेंट, दूसरा बोला गया स्वदेश, स्वदेश जो है यहां पर बेसिकली विल इन्फॉर्म सिटीजन रजिस्टर एक तरीके से विद प्लेटफॉर्म ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटी फ्रॉम इंडिया एंड फॉरेन, ठीक है। तो इनके पहला तो रिश्ता कनेक्ट करने के बारे में बात करते हैं, दूसरा जॉब प्रोवाइड कराने के बारे में बात करता है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया वन, बी में बोला गया टू, सी में बोला गया फोर, डी में बोला गया नाइदर वन नॉर टू, यानी कोई सा भी नहीं है, कोई सा भी ऊपर, ठीक है, ये बताना है। दूसरा, ये नॉर्मली आप लोगों ने एनसीईआरटी में इसके बारे में बड़े ही अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा कई बार नदियां जो है इस तरीके से बहती हुई नजर आती है, ठीक है। तो ये जो इस तरीके का जो आकृति बनाती है इसको क्या बोलते हैं, यहां पर ये बोला गया कि ए सीरीज ऑफ रेगुलर साइनस कर्व या बैंड आते हैं, लूप्स आते हैं, टर्न आते हैं, वाइंडिंग्स आती है इन द चैनल ऑफ द रिवर स्ट्रीम और अदर वाटर कोर्स, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द अबोव स्टेटमेंट, यानी कि ये जो यहां पर बोली गई है स्टेटमेंट, ये ऐसे क्वेश्चन बड़ी जल्दी यूपीएससी में पूछते हैं, तो आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा यहां पर इसको डिसाइड करता है, ठीक है, ऑक्सबो लेक या फिर यहां पर मेंडस या फिर यहां पर डेल्टा या फिर जोश, ठीक है। तो सही क्या है आप लोगों को ये बताना है स्टेटमेंट, देखता हूं कौन ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ रहा है इससे पता चलेगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। तब तक मैं आप लोगों को लेक्चर के अंदर लेकर चलता हूं, तब तक आप लोग कुछ नई ज्ञान की बातें बताता हूं, इंटरेस्टिंग है सुनोगे तो मजा आएगा, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन है, पहले तो ये बताइए, ठीक है। नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, इसमें ये नहीं कि गलत तरीके से देखो उनको, यार सबका अपना अपना चॉइस है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को वेजिटेरियन पसंद है तो उसमें अपनी चॉइस है, तो ये एक अलग डिबेट हो जाता है कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, लेट्स लीव इट, जिसकी चॉइस है उसको खाने दो, जिसको नहीं खाना है उसको मत खाने दो, ठीक है। तो ये उसको नहीं देखना है, मैं वैसे बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर जो भी काम आप लोग करते हो ना आज के डेट में उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, ठीक है, कि अच्छा ये चीजें हैं तो इसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है, ये चीजें हैं तो क्या क्या फायदा हो सकते हैं। तो ये नहीं कहते कि जिंदगी को जिंदगी को जिंदा दिली से जिया करो, तो तभी आप लोग जिंदगी को एंजॉय कर पाओगे।
अब अगर कोई भी चीज आप लोग यूज करें, से आप लोगों ने जैसे कि चिकन खाना है आप लोगों ने, ठीक है, तो क्या क्या उसके साथ में दिक्कत हो सकती है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से वो सारी चीजें आप लोगों को बता होना चाहिए। या फिर कोई भी आप लोगों को वेजिटेरियन अगर आप लोगों को कोई भी आप लोगों को फ्रूट खाना है कि क्या सही टाइम होता है, किस तरीके से खाना चाहिए, तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप लोग जान के रखोगे तो इसका मतलब है कि आप लोग जिंदगी के बारे में जानना पसंद करते हो, ठीक है। तो ये बस मेरा एक बोलने का मतलब था यहाँ पर। अगर बात करें एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में, तो यहाँ पर अभी जो आप लोगों से मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा डिफरेंट भी टॉपिक है। यहाँ पर ये नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले आते हैं जहां पर कई सारी चीजें एक साथ में आ जाती है। बोला गया है अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन, अभी जो नई गाइडलाइन लाई गई है, जो खासकर जो मुर्गी पालन किया करते थे, ये एक तरीके से साइड का बिजनेस माना जा रहा था किसानों के लिए देश के अंदर, कि अगर यहाँ पर खेती से उनको ज्यादा कमाई नहीं हो रही है तो आने वाले टाइम में वो साइड का बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि मुर्गी पालन हो गया, या फिर जैसे कि गाय भैंस रख लेना, उसका दूध वगैरह बेचना हो गया, ठीक है, फल फूल वगैरह बेचना हो गया। तो ये कई सारी ऐसी चीजें यहाँ पर किसानों का साइड एक तरीके से इनकम का यहाँ पर काम करता है, जब यहाँ पर कई बार एरिया में ऐसा होता है खेती बर्बाद हो गई है। पर लेकिन इसमें भी रूल और रेगुलेशन से काम करना पड़ेगा, तो जो पोल्ट्री फार्म है, यानी कि जो मुर्गी पालन करते हैं वो फार्मर जो है, उसमें स्मॉल हो गए या फिर मार्जिनल फार्मर जो हो गए, उनको अब यहाँ पर अलग मेजर्स फॉलो करने की बात की जा रही है, ताकि प्रिवेंट किया जा सके एनवायरमेंट पोल्यूशन। देखिए, अगर आप लोगों से मैं बात करूं एनवायरमेंट पोल्यूशन कहां पर आता है, तो याद रखिएगा इसके बारे में अगर आप लोगों से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप लोग पार्ट थर्ड में जाएंगे संविधान के अंदर, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर जब आप लोग जाएंगे, तो आर्टिकल 21 जो है इसके अंदर, वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। ये राइट टू लाइफ यहां पर आप लोगों को ये कहता है कि इंसान जो है, उसकी अगर उसको जिंदा रहने के लिए जो एनवायरमेंट चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं रह गया उसका जिंदा रहने का। इसीलिए आप लोगों ने देखा एनजीटी बनकर आया, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, वो क्या बोलता है कि एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखना है, अगर कोई इसको बर्बाद करेगा तो ये राइट टू लाइफ का जो है वो हनन हो जाएगा, यानी कि राइट टू लाइफ इंसान फॉलो ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बोलिएगा, तो आर्टिकल 21 के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इसी के बारे में हम लोग अब आगे बात करेंगे। अभी यहां पर इसी से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन के बारे में बात की जा रही है, आखिर ऐसा क्या है और क्या है, और अगर आप लोग लोकल एरिया में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोग भी उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसके सोल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं। अभी हुआ क्या, बेसिकली अब तक जो था पोल्ट्री फार्म के बारे में, तो इंडिया के अंदर इसको एग्जेम्प्ट किया जाता था एनवायरमेंट लॉ से रिलेटेड, यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कोई मुर्गी पालन का, आप लोग ये इस तरीके का कोई धंधा स्टार्ट करना है, तो इसके अंदर अब तक कोई भी एनवायरमेंट से रिलेटेड रूल और रेगुलेशन नहीं लाया करते थे। पर लेकिन जैसे जैसे कई सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, अभी यहां पर आप लोगों ने देखा कई सारी बीमारी अभी नई नई आ रही हैं, जिनको खासकर जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। तो जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है जो जानवर से इंसानों में फैलती है, और फिर आगे चल के इंसानों से इंसानों में फैलने लगती है। तो कई सारी ऐसी बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इनमें से नीफा वायरस अभी काफी ज्यादा न्यूज में आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो नीफा वायरस का नेचुरल जो होस्ट है वो कौन होता है, बताइए, 2-3 बार आप लोगों को बता चुका हूं, रिविजन हो जाएगा। अभी यहां पर इनके द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा बोला गया, जिसको आप लोग एनजीटी बोलते हैं, इसके द्वारा बोला गया कि सेंटर पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, तो सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर कि नई गाइडलाइन लेकर हम लोग को आनी है, ताकि हमारी कंट्री में एयर वाटर या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी लॉ है उनको फॉलो किया जा सके इनके द्वारा, और कोई दिक्कत यहां पर देखने को नहीं मिले। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है, सबसे बड़ी दिक्कत यह रहती है, जब तक कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है तब तक यहां पर कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आती रहती हैं, और वो जो प्रॉब्लम निकल कर आती रहती हैं वो एनवायरमेंट पर भी इंपैक्ट डालती है, और कई बार इंसानों की लाइफ पर भी इंपैक्ट डालती हुई नजर आएंगी। तो उसी को सुधारने की कोशिश यहां पर की जा रही है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग लगा रहे हैं, तो याद रखना सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है यहां पर हमारी कंट्री के अंदर, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, जिसको पार्लियामेंट में पास कर एक लॉ के थ्रू बनाया जाता है। तो अगर आप लोगों से पूछेगी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आती है। इसको जो एस्टैब्लिश किया गया था, एस्टैब्लिश कब किया गया था, तो ये याद रखना इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1974 में। अच्छा, ये पावर किस, ये कहां से, बेसिकली किसके अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया, तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था वोटर एक्ट, था हमारी कंट्री में 1974 का, उसके हिसाब से इसको एस्टैब्लिश किया गया था। तो इसके जो फंक्शन और जो पावर है वो कहां से लेता है, ये एयर एक्ट से लेता है, ये याद रखना, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा अगर बन गया एग्जाम के अंदर में। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो वाटर एक्ट था हमारे देश का, उसके हिसाब से ये बनाया गया था। जो पावर निकाल कर लेकर आता है ये एयर एक्ट से निकाल कर लेकर आता है, जो कि 1981 का है, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है इसका बेसिकली जो हेडक्वार्टर है वो आप लोग को न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये पोल्यूशन के बारे में इतनी बात हो रही है, अगर बैकग्राउंड में जाकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप लोग हिल जाओगे, बोलोगे यार ये क्या हो गया,
तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप लोगों को तैयार करने हैं, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग याद रखिएगा, ये दिल्ली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बेसिकली करकरडुमा वाला एरिया नहीं है, वहां पर जो करकरडुमा कोर्ट वाला एरिया है उसके पास में आप लोग यहां पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये नजर आएगा। तो इसका बेसिक काम यह है कि कैसे देश में पोल्यूशन जो हो रहा है उसको कैसे सही से इंप्लीमेंट करना है और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस देना है। तो इसके चलते कई सारे सिस्टम इनके रहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखना अभी नेशनल एयर जो क्वालिटी मॉनिटरिंग जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, तो ये सारे इसी तरीके प्रोग्राम इनके द्वारा चलाए जाते हैं, ताकि एयर को, वाटर को, एनवायरमेंट को कैसे पोल्यूट होने से बचाना है उसके बारे में बात की जा सके। तो उसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट भी करते हैं। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं, भैया ये कैसी बॉडी है, ठीक है, तो बोल देगी यार ये तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट था वहां पर एनजीटी के बारे में कि एनजीटी जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, या फिर यहां पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो इस तरीके से आप लोग कंफ्यूज नहीं होने, तो दोनों स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि एनजीटी के बारे में अगर बात करूं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो वो भी क्या किया गया, वो भी 2010 में बनाया गया पार्लियामेंट में एक्ट पास करके। तो ये यहां से क्वेश्चन ऐसे ऐसे निकाल देते हैं आप लोगों से, जो आप लोग पढ़ते हैं ना उसी में से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, कहीं ऐसा नहीं है कि वो कहीं ऐसे बैठे हैं कि अलादीन का चिराग लिए कि अलादीन का चिराग घिसते हैं और नया क्वेश्चन निकल के आता है, वही रहती है सारी चीजें जो आप लोग रेगुलर पढ़ते हैं। बस ये रहता है कि आप लोग उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं, आप लोग बस ऊपर ऊपर से सुनते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं और आगे निकल जाते हैं। ट्राई टू गिव ए मिनट उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचो, कोई भी चीज है ना इस धरती पर वो बिना वजह की वजह से नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना वजह यहां पर हो रही है, ओके। कुछ ना कुछ उसके पीछे आप लोगों को रीजन नजर आएगा, कोई भी बॉडी बनाई गई है उसके पीछे रीजन नजर आएगा। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के बारे में आप लोगों को बात करें, अब से पहले तो नहीं थी, 2004 में ऐसा क्या हो गया इनको ये बॉडी बनानी पड़ गई 2004 के बाद में, सुनामी आई देश के अंदर में, जैसे ही सुनामी आई तो सुनामी आने की वजह से ये चीजें बर्बाद हुई, उसके बाद में यहां पर लगा कि यार ऐसी कोई डिजास्टर मैनेजमेंट की बॉडी होनी चाहिए, तो बॉडी बन गई वो इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर किसी भी चीज की आप लोग थोड़ी सी हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट रखना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा और आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से पढ़ाई को करने की कोशिश करो, ताकि वो इंटरेस्ट लगने लगे ना कि बर्डन लगे। जब जब बर्डन लगने लगेगी तो समझ लेना जबरदस्ती का काम कर रहे हो, और जब जब इंजॉय करने लगोगे तो समझ लेना मजा आ रहा है जिंदगी जीने में, बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए अभी यहां पर इन्होंने इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक तो स्मॉल फार्मर है, दूसरे मीडियम और तीसरे हैं लार्ज फार्मर। तो स्मॉल फार्मर कौन से होंगे, जो 5,000 से लेके 25,000 तक का अगर उनके पास में ये मुर्गी वगैरह है, चिड़िया वगैरह है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको बोलेंगे स्मॉल यानी कि छोटे फार्मर। दूसरे मीडियम फार्मर की कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास में 25,000 से लेके 1,00,000 तक का है, उनको बोलेंगे यहां पर मीडियम फार्मर। तीसरे हैं लार्ज फार्मर की कैटेगरी में आते हैं, जो कि यहां पर बेसिकली 1,00,000 से ऊपर ये यहां पर पक्षी रखते हैं। तो ये अलग अलग क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले कोई, तो कंफ्यूज मत होना। बहुत शानदार बारिश हो रही है बाहर मतलब नहीं है, मस्त वाली बारिश हो रही है, धड़ाधड़ बिल्कुल। एक तरीके से सुबह उठा तो ना दिन एकदम मूड फ्रेश सा हो गया, जब देखा मैंने कहा वाओ यार व्हाट ए माइंड ब्लोइंग वेदर आउटसाइड, तो देखने के बाद में मजा आ गया एकदम देखकर। तो हमेशा कोशिश किया करो मॉर्निंग में ना 5 से 10 मिनट जब उठा करो तो बाहर का व्यू देखा करो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा आसमान की तरफ को देखा करो, मतलब है कि एक रिलैक्सिंग जोन में जाया करो कम से कम 8 से 10 मिनट उठने के बाद में। कुछ मत सोचो, बिल्कुल बैंक छोड़ दो माइंड को, या फिर सोचना भी है तो थोड़ा सा अपने गोल के बारे में सोचो, ठीक है, इस तरीके से जिंदगी को लेकर चलो, जिंदगी जीने मजा आएगा। नेचर के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। और मैंने बोला था ना पेड़ लगाने का बहुत सही टाइम है, तो इस टाइम पर आप लोग पेड़ भी जरूर लगाना, ठीक है, जो भी अगर लगा सकते हो। आगे बात करें यहां पर, तो ये तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ ले स्टेटमेंट में कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से फार्मर को रखा गया, तो ये कंफ्यूजन वाली बात अब तो दूर होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। और आगे चलकर अगर आप लोग किसी को लगता है यार इसके अंदर बिजनेस भी करना है, तो आप लोगों के लिए एक वो भी बता दूंगा, मतलब एक तरीके से ये भी बता रहे क्या क्या करना है अगर बिजनेस करना है, तो कौन कौन सी कैटेगरी में ये आते हैं, तो उससे भी आप लोगों को फायदा हो जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ कंसेंट जो रिक्वायरमेंट है यहां पर, तो उसके चलते यहां पर फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेट करने के लिए जो मीडियम साइज पोल्ट्री फार्म है, तो यहां पर स्टेट पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड और कमेटी जो है उसके अंडर यहां पर जो वाटर एक्ट आता है और एयर एक्ट आता है, मैंने बोला था ना अभी वाटर एक्ट और एयर एक्ट, तो उसके तहत यहां पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। और परमिशन जो रहती है 15 साल के लिए रहती है, यानी कि फिर से आप लोगों को जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको रिन्यू करना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि दामाद बन चुके हो एक बार ले लिया तो फिर कोई आप लोगों से कोई पूछ ही नहीं आएगा, 15 साल में आप लोगों को फिर से उसको रिन्यू करना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहां पर। आगे अगर बात करें इंप्लीमेंटिंग जो एजेंसी यहां पर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, ये रेस्पॉन्सिबल होती है इंप्लीमेंट कराने के लिए गाइडलाइन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ठीक है, तो इनके द्वारा यहां पर ये इंप्लीमेंट की जाती है। अगर इस स्टेप के बारे में बात करें, स्टेप टू रिड्यूसिंग पोल्यूशन, यानी कि कैसे हम लोग को जो आज के में वातावरण में जो प्रदूषण है उसको हम लोग को कम करना है, तो जो पोल्ट्री फार्म है यहां पर अगर इसके बारे में बात करें, ठीक है, तो उससे रिलेटेड यहां पर जो रूम है उसके बारे में देखिए क्या होता है, जहां पर मुर्गियां रहती हैं, तो वहां पर अलग अलग चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, अलग अलग तरीके की चीजें आप लोगों को, मतलब कहने का क्या मतलब है, मुर्गियां कई सारी, किसी को बीमारी हो गई, कोई मर गई मुर्गी, जो गैस निकल कर आ रही है वहां पर, ये खाना जो खा रही है, ये यहां पर पोटी जो कर रही है, वो सारी चीजों से एक अलग ही माहौल रहता है। अगर साफ नहीं करोगे तो गलने सड़ने लगेंगी चीज,
चीजें यहां पर, ठीक है। तो इसी के चलते यहां पर जरूरी है कि इस तरीके से अगर कोई चीजें हो रही हैं उसके ऊपर ध्यान रखना आप लोगों, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो भी इनके द्वारा मलमूत्र वगैरह वो सारे किए जाते हैं, पानी हो गया, मलमूत्र हो गया, आपस में मिक्स हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, किसी को थोड़ा सा कोई घाव हो गया उसमें से कुछ दिक्कतें निकल कर आ रही है, तो अगर कोई इंसान वहां पर उसके साथ में लग रहा है उसको बीमारी होगी, फिर वो बाहर निकल कर आया अपने परिवार के साथ में गया उसको बीमारी होगी, वो किसी और के कॉन्टेक्ट में आए, तो इस तरीके से बीमारी फैलने लगती है। जूनोटिक बीमारी की कैटेगरी में आते हैं जानवरों से इंसानों में बीमारी लगना और फिर इंसानों से इंसानों में फैलने लगना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके ऊपर ध्यान देकर चल रहे जैसा माहौल फिलहाल बना हुआ है। तो इसी के चलते बात करें तो एक फार्म जो है इसके बारे में बात की जा रही है, कैसे कैसे इसको सेटअप करना चाहिए ताकि इन चीजों को बचाया जा सके। यानी कि ऐसा नहीं है जो एक बार बोल दिया वही चीजें चलती रहेंगी, इसके लिए कुछ तो आप लोगों को सेटअप करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंस आप लोगों को करना पड़ेगा। वो क्या है इसके बारे में याद रखना, अगर यहां पर ऐसा कोई फार्म सेट करना है तो जो रेजिडेंशियल एरिया है यानी कि जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर लोगों के घर है, उससे लगभग 500 मीटर दूर होना चाहिए, यानी कि आधा किलोमीटर दूर होना चाहिए उस एरिया से। ऐसा नहीं आप लोग जहां चाहो वहां बना लोगे, पहली इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर यह बोली गई है, ठीक है, यानी कि आसपास में नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह बोली गई कि जो यहां पर 100 मीटर होना चाहिए कम से कम, अगर कोई रिवर है, नदी या फिर कोई लेक है या फिर कोई कैनाल है या फिर कोई ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है, यानी कि वाटर बॉडी से यह लगभग 100 मीटर दूर होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में नेशनल हाईवे वगैरह अगर कोई जा रहा है उससे लगभग 100 मीटर दूर होना चाहिए, गांव का जो फुटपाथ या फिर कोई रूरल रोड जा रही है उससे लगभग 10 से 15 मीटर दूर होना चाहिए, यानी कि किसी भी रेगुलर रोड के पास में आप लोगों को पोल्ट्री फार्म देखने को नहीं मिलेगा। अब मेरे गांव में पोल्ट्री फार्म थे दो, अब तो खैर बंद हो चुके हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उनका कैसा एरिया बना रखा था, मुझे ऐसा लगता है खेतों के बीच में ले जाकर क्यों बना रखा है इतने अंदर, ठीक है। तो अब समझ में आया जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, मैंने कहा ओके तो ये चीजें हुआ करती थी। तो ये रूल और गाइडलाइंस होती है कुछ जिनको फॉलो करना होता है ताकि कल को कोई बीमारी है, अगर मान लीजिए गांव वाले एरिया के आसपास में कहीं हो गया, पता चला पूरे गांव में बीमारी फैल गई, बर्ड फ्लू फैल गया पूरे गांव में, ठीक है, कोई रिवर लेकर पता चला कोई मुर्गी है उसके आसपास में, वो पावर उसने पोल्यूट कर दिया किसी रिवर को और वो रिवर पता चला बहती हुई जा रही है 5-6 स्टेट के अंदर में, तो पता चला कितने राज्यों में दर बीमारी फैल गई चुटकियों में। हाईवे के पास में पता नहीं कौन कौन गुजरता है, वहां से किसी को लग गया काम खत्म हो गया पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए इनसे डिस्टेंस पर इसको बनाने की बात की जाती है ताकि चीजें जो है वो नॉर्मल रखी जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। जो नीड है यहाँ पर उसके बारे में अगर बात करूं तो पोल्ट्री जो प्रोडक्शन के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो इन्वायरमेंट इसके पोल्यूशन से रिलेटेड अगर बात करें तो जो इनसे रिलेटेड जो भी इनके जो खाने पीने का सामान होता है, ठीक है, इनकी जो गंदगी होती है, जो भी यहाँ पर वेस्ट होता है उसके बारे में बात करें तो ये आप लोगों के आसपास में जहां पर रहते हैं ना, लिविंग जो आप लोगों का एरिया है, जो आप लोगों की जो लिविंग विसिनिटी है उसके आसपास में ये चीजें अगर आती हैं तो ये काफी ह्यूज लेवल पर इंपैक्ट डाल सकती हैं। इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा यहां पर बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत अगर आप लोग बात करते हैं, सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत बात करते हैं तो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो फिर से मैं आप लोगों को वही बोलूंगा, अगर पोल्ट्री फार्म को बोला जा रहा है इस तरीके गाइडलाइन लानी है और इन्वायरमेंट को अगर सुधारना है तो इनडायरेक्ट वे में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्यों हो रहा है, तो राइट टू लाइफ के बारे में बात की जा रही है तो वो आर्टिकल 21 के हिसाब से आता है हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ताकि ये बोलता है राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 कि आप लोगों को इंसान को एक ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए जिसमें वो जिंदा रह सके। तो उसके चलते यहाँ पर कुछ ऑब्लिगेशन है, कुछ ऐसे यहाँ पर रूल और रेगुलेशन है जो बनाए गए हैं और एक सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, यानी कि इंसान जो है उसकी जिंदगी के बारे में सोचा जाए, थोड़ा सा गरीबी नहीं होनी चाहिए उसके पास में, भुखमरी नहीं होनी चाहिए, इसी के साथ में अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए और क्लीन वाटर वाली बात आप लोग यहां पर देखते हैं। इसी के साथ में क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, कोई लाइफ बिलो वाटर के बारे में बात करें, समुद्र के अंदर जो जिंदगी है, इसी के साथ में जो जमीन के ऊपर जो जिंदगी है, तो ये सारी चीजें अच्छी अच्छी चीजें यहां पर कोशिश की जाती है इंसानियत के नाते कि इंसानों को एक प्रोडक्टिव लाइफ दी जा सके। तो उसके चलते ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारे मुद्दे उसी से रिलेटेड है। अब यहां पर कुछ काम किए भी गए, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल निठल लिया और गवर्नमेंट को बोलने लगो गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है, उनके द्वारा काम भी किए गए। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पोल्ट्री वेंचर ये कैपिटल फंड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और जो डेयरिंग है उनके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, ये बेसिकली एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यानी कि जैसे मान लीजिए आज के में आप लोगों ने एक मुर्गी फार्म लगाने की बात कर दी, अब वो मुर्गी फार्म अगर आप लोग लगाओगे तो वहां पर एक इंसान का काम नहीं है, वो कईयों इंसान का काम चलेगा, कोई अंडे ला रहा है ले जा रहा है, अंडे बेच रहा है, वहां पर रह रहा है, कोई उनको साफ सफाई रख रहा है, कोई वहां पर झाड़ू लगा रहा है, कोई वहां पर उनको दाना डाल रहा है, कोई उनको पानी पिला रहा है, तो कई आदमी यहां पर लगेंगे। तो एक तरीके से एक बिजनेस हो गया, एक तरीके से ये यहां पर आप लोग एंटरप्रेन्योर बन गए, बिजनेसमैन बन गए और इसी के साथ में इंप्लॉयमेंट भी जनरेट करके आप लोग वहां पर दे रहे हैं। तो ये आप लोग
को देखने को मिलेगा नेशनल बेसिकली लाइव स्टॉक मिशन के तहत। इसी के साथ में सपोर्ट कहां से मिलते हैं यहां पर, ये आप लोग याद रखिएगा, अगर गांव के एरिया में कोई बिजनेस करना है, खासकर यहां पर नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो नाम ही क्या है रूरल, यानी कि गांव वाले एरिया का डेवलपमेंट करना है, तो यहां से नॉर्मली लोन प्रोवाइड कराया जाता है, पोलेट्री जो पोलेट्री वेंचर कैपिटल फंड इसको बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से बेनिफिशियरी अपना लोन ले सकते हैं, इसके लिए प्रोविजन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा रखे हैं, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरा जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है यहां पर, इसके बारे में बात करें तो कई सारे प्रोग्राम जैसे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो है, इसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, ताकि उनको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट है, इसी के साथ में इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिव जो प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट है, तो अलग अलग तरीके से इन चीजों को सपोर्ट भी किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में किसानों की इनकम 2022 तक डबल करने की बात की जा रही है, तो उसी के तहत यहां पर ये स्टेप भी उठाए जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या है, यहां पर बात की जा रही है असिस्टेंट टू द स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज, तो यहां पर ये काफी जरूरी है, यानी कि अगर कल को कोई बीमारी किसी राज्य के अंदर फैल जाती है तो उसके चलते यहां पर किससे उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए भी यहां पर बात की जा रही है। तो लाइव स्टॉक हेल्थ एंड द डिजीज कंट्रोल के बारे में बात की जाती है, तो वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराई जाएगी एक तरीके से, अगर कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले, ठीक है। कई सारी बीमारी आप लोगों को देखने को मिलती है अलग अलग तरीके, कई सारे आप लोगों यहां पर आज के में जो चीजें नजर आती है, एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं, अगर यहां पर बर्ड्स की वजह से चिड़ियाओं की वजह से कोई ऐसी बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है, और खासकर कई बार ये कैसी रहती है यहां पर एक्सोटिक जो डिजीज रहती है, यानी कि बाहर से कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि निकल कर आती है, कई बार दूसरी कंट्री से भी चीजें निकल कर आती है, जैसे अभी कोरोना के बारे में अगर बात कर लूं, अपने देश का तो यहां पर है नहीं है, तो दूसरे एरिया से यहां पर इस तरह की चीजें आती हुई नजर आती है, तो इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना आज की डेट में खासकर जरूरी हो गया। तो जितने मॉडर्न हो गए इतने एनवायरनमेंट को उतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जितना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं उतनी ही चीजों को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखकर चलना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये था आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो अगर क्वेश्चन बन जाए अब आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी है, ठीक है, कि कहां पर क्या क्या चीजें हैं, सारी बातें मैंने डिटेल में डिस्कस कर दी, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाओगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये आर्टिकल मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है जो आगे बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा आर्टिकल को सुनने में। देखिए एक टाइम ऐसा हुआ करता था हमारी कंट्री भी अंग्रेजों के गुलाम थी, 1947 तक हमारी कंट्री भी अंग्रेजों के गुलाम थी, और ऐसा ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे एरिया थे जो अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। अब ऐसा हुआ कि अंग्रेज जो है अब फिर यहां से छोड़कर जाने लगे, मजबूरी में गए, इनकी इच्छा तो नहीं थी, पर हां ऐसा था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर उनकी कमर टूट गई, उनकी अर्थव्यवस्था इतनी बर्बाद हो गई कि वो खुद भी अपने पैरों पर खड़े होने के लायक नहीं रहे, यानी कि जीत तो गए पर लेकिन मर मर कर जीते, तो उस टाइम पर यहां पर कंडीशन ये लगने लगी, अगर आप लोगों को मैनेज करना है किसी आउटसाइड एरिया को, ठीक है, तो आप लोगों के पास में पैसा होना चाहिए, आप लोगों के पास में फोर्स होनी चाहिए, तो पैसा और पावर दो ऐसी चीजें आप लोग जिससे कई सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से, अगर आप लोगों के पास में ना पैसा है और ना पावर है तो फिर आप लोगों की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर यही इनके साथ में दिक्कत हुई, लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, अलग अलग कंट्री आजाद होना स्टार्ट होगी, तो अंग्रेजों को छोड़ना पड़ गया यहां पर कई सारे देशों को, पर लेकिन देश तो कई सारे छोड़ दिए, कई सारे उनके आसपास के जो आइलैंड है उनकी टेरिटरी है कुछ वो इनके द्वारा नहीं छोड़ी गई, अपना ही देख लो गोवा जो है बाद तक इनके कंट्रोल में रहा, तो इस तरीके से पोर्चुगल टेरिटरी यहां पर कई लंबे समय तक पड़ी रही, अलग अलग एरिया अलग अलग लंबे समय तक कंट्रोल में रहे कई सारी कंट्री के। ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करूंगा यहां पर, ये बात की जा रही है रिसेंटली अभी यूनाइटेड नेशन जो यूएन है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ब्रिटिश स्टैंप जो है वो बोला गया कि जो चागोज आर्किपेलागो है एक ग्रुप बोल सकते हैं यहां पर आइलैंड का उसके अंदर यहां पर बेसिकली ब्रिटिश स्टैंप को बैन कर दिया है। मतलब क्या है, मतलब यह कि अब तक का यहां पर ये जो ब्रिटिश स्टैंप चला करता था और ब्रिटेन इसको अपनी टेरिटरी माना करता था अब यहां पर ब्रिटिश स्टैंप को बैन कर दिया इनके द्वारा, बोला गया कि ये तुम्हारी टेरिटरी नहीं है। अब ये इनकी टेरिटरी नहीं है तो किसकी है, तो पूरा बैकग्राउंड के साथ में समझाता हूं आप लोगों को कि चीजें क्या चल रही हैं। सबसे पहले आप लोग लोकेशन देखिए, अगर आप लोग अपनी प्यारी कंट्री यहां पर देख पा रहे हैं तो नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा ये चागोज आइलैंड्स, ठीक है, तो ये आप लोगों को बेसिकली मॉरिशस की टेरिटरी है यहां पर ये, पर लेकिन ब्रिटेन मॉरिशस के ऊपर रूल किया करता था तो मॉरिशस को तो छोड़ के चला गया पर लेकिन चागोज आइलैंड को नहीं छोड़ा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन ओशन के अंदर तो इसलिए इसको छोड़कर यहां पर नहीं गया। बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं, 19th सेंचुरी के अंदर चागोज जो था वो गवर्न किया जाता था यहां पर मॉरिशस के द्वारा, पर लेकिन जैसे ही ब्रिटेन के अंदर यहां पर आया, ब्रिटेन की कॉलोनी आया तो ब्रिटेन के अंदर आ गया, मॉरिशस जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया 1968 में, पर लेकिन चागोज जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल में रहा, उन्होंने छोड़ा नहीं उसको, और उस टाइम पर इसको क्या बोला जाता था, उस टाइम पर क्या आज भी अगर पूछ ले आप लोगों से क्या बोलते हैं इसको, तो यहां पर BIOT बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया,
इंडियन ओशियन टेरिटरी, यानी कि इंडियन ओशियन के अंदर जो ब्रिटेन की टेरिटरी है, नाम दिया गया BIOT, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट देकर कंफ्यूजन में डाला जा सकता है, ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से बन गया। तो भाई साहब यहां से बन गया। अब यहां पर बात करें तो यूके जो है वो रिटेन करना बेसिकली यहां पर इसको आरके पेलिगो को, इसके अंदर रीजन क्या है कि ये भी था, इसको सपोर्ट भी कर रही थी यहां पर यूएसए भी, क्योंकि यूएसए का एयरबोज भी था यहां पर। डाइगो जो यहां पर बेसिकली गार्सिया के अंदर आप लोगों को यूएसए का एयरबोज देखने को मिला। तो इसके चलते वर्ल्ड की दो पावरफुल कंट्री, एक तो यूके और एक हो गया यूएसए, तो इनके द्वारा कंट्रोल कर रखा था यहां पर इस आइलैंड के ऊपर। तो इसके चलते यूएन हमेशा इसको लेकर अपोजिट में रहता था। तो यहां पर जब मॉरिशस को यहां पर इंडिपेंडेंस मिली, तो मॉरिशस के द्वारा बोला गया एक तरीके से, यहां पर मॉरिशस से इस आइलैंड को लेकर कई सारी दिक्कत देखने को मिली, तो पे किए गए यहां पर एक तरीके से 4 मिलियन पाउंड तक का भी, ठीक है। तो ये दिक्कतें देखने को मिली, पर लेकिन आगे चलकर यहां पर क्या हुआ था, उस टाइम पर कुछ और बातें हुई थी। यहां पर 15,000 के करीब जो नेटिव आइलैंडर थे उनको वहां से हटाया गया, जहां पर यूएसए का बेस बनाया गया। तो इसके चलते यहां पर यूएसए का एयरबेस बना 1971 में। और जब इस तरीके से इंसानों को आप लोग डिस्प्लेस करते हो तो दिक्कत तो आती है निकलकर, तो ऐसी ही दिक्कतें यहां पर भी देखने को मिली। लोगों को बुरा लगा जब उनको अपना लोकल एरिया छोड़कर जाना है, सोचो एक मिनट के लिए घर बार सारी चीजें छोड़कर जानी है तो कैसा लगेगा, तो वो दिक्कतें निकलकर आती है। तो 1975 से मॉरिशस के द्वारा यहां पर कई सारे लीगल एफर्ट लगाने स्टार्ट कर दिए ताकि अपना जो एरिया है उसको रिटर्न लाया जा सके, यानी कि मॉरिशस ने पूरे शामदाम धन भेद लगाने स्टार्ट कर दिए ताकि उनका जो आर के पेलिगो है वो उनको रिटर्न मिल सके, ये ब्रिटेन के कंट्रोल में ना रहे। तो ये इनके द्वारा सोचना स्टार्ट कर दिया और इसके लिए जो भी लीगल प्रोविजन थे उनके ऊपर इनके द्वारा काम करना स्टार्ट कर दिया गया। तो रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ, ये हुआ 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में ये केस पहुंचा और उन्होंने ब्रिटेन को बोल दिया कि आप लोगों को इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रखना है, अपना कंट्रोल आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ब्रिटेन मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर आगे चलकर यूएन के अंदर भी बातें पहुंची प्रॉपर वे में, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा भी रिजोल्यूशन लाया गया जिसमें उनके द्वारा बोला गया कि चागोस आर्किपेलागो जो है वो इंटीग्रल पार्ट है मॉरिशस का, यानी कि मॉरिशस का पार्ट है और आप लोगों को यहां पर इसको अपने कंट्रोल में नहीं रखना है, ये ब्रिटेन के कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये मॉरिशस के कंट्रोल में ही रहने वाला है। इसी के चलते यहां पर एक तरीके से यूएन की यूएन की जो एजेंसी थी उनके द्वारा भी अर्ज किया गया कि डीकोलोनाइज करना है बेसिकली मॉरिशस को, आज की डेट में भी इसको कॉलोनी बना के रख रखा है। कॉलोनी होती क्या है बेसिकली, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले, बताइए जरा सोच के कि कॉलोनी क्या होती है आप लोग, कॉलोनियल टाइम। कॉलोनी बेसिकली एक तरीके से क्या होती है, हमारी कंट्री ब्रिटेन की कॉलोनी थी तो हमारी कंट्री में से क्या करते थे, रिसोर्सेज निकालते थे, जैसे कि जो भी यहां पर रिसोर्सेज हो गए तो यहां पर उसको फिर क्या करते थे, जैसे मान लीजिए यहां आयरन ओर निकाल लिया इन्होंने, ठीक है, ये यहां से कपास लेकर चले गए अपने देश में, वहां पर क्या किए कपड़े बनाए और फिर हमारे देश में लाकर बेच रहे हैं, यानी कि सस्ता बहुत ही बिल्कुल फ्री में रॉ मटेरियल निकाल के लेकर जा रहे हैं अपने देश में लेकर जा रहे हैं, फिर हमारे देश में लाकर उसको बेच रहे हैं। तो कॉलोनी बना ली, हम लोग को मार्केट बना के रख दिया इन्होंने, हमारे ही रॉ मटेरियल यूज करके हमारे ही ऊपर उसको थोप रहे हैं और वो भी महंगे महंगे प्राइस में। तो इस तरीके की हरकतें इनके द्वारा करनी स्टार्ट की गई। तो इसके चलते जो कंट्री है जिसके ऊपर ये अपना एक आधिपत्य जमा कर चल रहे थे एक तरीके से, उसमें काफी दिक्कतें देखने को मिलने लगी। तो इंडिया के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे इंडिया का स्टैंड क्या है, तो इंडिया तो हमेशा अपोजिट में रहा, जब जब भी यहां पर कॉलोनी के बारे में बात करें तो जहां जहां पर भी इंडिया आजाद होने के बाद में जहां जहां पर भी लगा इंडिया को सपोर्ट करना है, उसने हमेशा सपोर्ट किया है कि डीकोलोनाइज होना चाहिए। तो हम जो है हमेशा यहां पर मॉरिशस को सपोर्ट करते हैं कि चागोस आके पेलिगो जो है वो मॉरिशस के अंडर में आना चाहिए। तो इंडिया के द्वारा जो सबमिशन किया गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में, तो हमने सपोर्ट किया जो चागोस आके पेलिगो है यहां पर, इसको बेसिकली मॉरिशस के अंडर में ही रहना चाहिए और उसकी सॉवरेनिटी है तो यहां पर ब्रिटेन को यह छोड़ देना चाहिए। तो ये बातें यहां पर की गई। तो इसके चलते इंडिया के द्वारा बेसिकली इंडियन ओशन में भी है तो मॉरिशस के साथ में हम लोग काम भी करते हैं कई सारे एरिया में। तो एंटी कॉलोनियल जो एक तरीके से क्रेडेंशियल यहां पर देखने को मिले, यानी कि एक तरीके से हम लोग एंटी कॉलोनियल यहां पर आप लोगों को हमेशा नजर आएंगे। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि कॉलोनी यहां पर इस तरीके से कंट्रोल करे और उसके कंट्रोल में हम लोग रहे। तो ये इस तरीके की चीजें यहां पर है, हम लोग हमेशा उस कंट्री को सपोर्ट करते हैं जो कंट्री यहां पर चाहती है आजाद होना। तो इस तरीके से इंडिया किसके साथ रहेगा, हम लोग मॉरिशस के साथ में। तो स्टेटमेंट देकर अगर आप लोगों को बोल दे कि हम लोग ब्रिटेन के साथ में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग मॉरिशस के साथ में। अब यहां पर ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यूएन के द्वारा स्टैंप उठाया गया कि ब्रिटेन का स्टैंप यहां से बंद कर दो, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर जो यूपीयू यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल जो यूनियन है यहां पर, उसको स्टेप स्टॉप कर दिया रजिस्टर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और ट्रांसमिट करना, ठीक है। तो इसके चलते जो यहां पर ब्रिटिश इंडिया ओशियन जो टेरिटरी इनकी हुआ करती थी उसको यहां पर मानना बंद कर दिया। तो एक तरीके से ये नाम जो था ये दिया गया था ब्रिटेन के द्वारा। अब यहां पर जो यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी है उनके द्वारा पोस्टल सेक्टर में यहां पर पर्टिकुलर बोला गया कि इन चीजों को अलग लेकर चलो और जो भी यहां पर जो नई चीजें आ रही निकल के उसके साथ में कोऑपरेट करो, ब्रिटेन के हिसाब से चीजें लेकर नहीं चलनी है। तो चागोस आर्किपेलागो जो है जो आइलैंड ग्रुप है यहां पर, ये सेंट्रल इंडियन ओशन के अंदर देखने को मिलेगा और लगभग हमारी कंट्री
सेक्टर से अगर आप लोग इसको नापोगे तो ये लगभग आप लोग को 1600 किलोमीटर के करीब देखने को मिलेगा। यानी कि यहां से अगर यहां पर आप लोग जाओगे तो लगभग 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस आप लोग को ये नजर आएगी इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाए या फिर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए कि चागोस आर्किपेलागो जो है वो किस किस कंट्री के बीच में है यहां पर डिस्ट्रीब्यूट का रीजन, या फिर हमारी कंट्री का क्या स्टैंड है, या फिर बैकग्राउंड में पूछ ले आप लोगों से कि यूएसए का एयरबोस जो यहां पर कहां पर है, कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों को यहां पर देनी है, तो ये सारे कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कब आजाद हुआ, तो जो न्यूज में है उसकी बैकग्राउंड, सॉरी हिचकी आ रही है, कौन याद कर रहा है ये बताओ जल्दी। कई बार ना पढ़ाते पढ़ाते हिचकी आते, मुझे इतना याद करते रहते हो क्या पढ़ाते पढ़ाते। चलिए जो भी है, तो यहां पर मतलब एक तरीके से हिचकी आती किसकी वजह से, अच्छा ये बताओ, चलो आप लोग हिचकी आती क्या इंसान को, पानी की कमी है क्या। आगे चलते हैं, तो बात ये की जा रही है बेसिकली, तो ऐसे तरीके से अगर क्वेश्चन बन जाए तो यार आप लोगों को पता होना चाहिए, अच्छा ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मली आप लोगों ने चीजें देखी भी होगी तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोग यहां पर नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, तो कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताएगा, उसको दूर किया जाएगा। ओके, एक बच्चा कोई पेपर देकर अभी आया यहाँ पर, तो उसने बोला सर पंचायत के बारे में क्वेश्चन बन गया और उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहा मुझे, ठीक है, पर लेकिन रीजन क्या था, रीजन ये था कि रिवीजन करके नहीं गया, जो मैंने पंचायती राज सिस्टम पढ़ा रखा आप लोगों को पॉलिटी के अंदर, दो पार्ट में है यहाँ पर ये, अगर इसको आप लोग देख लोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पंचायत का कोई भी क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों पार्ट काफी डिटेल में एक्सप्लेन किए गए, एक एक कमिटी के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया। देख कई बार आप लोगों से क्या पूछ लिया जाता है, पंचायती राज सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, कई बार कमेटी पूछ ली जाती है। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ये 1957 में बनाई गई थी, फादर ऑफ पंचायती राज बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनके द्वारा जो सिस्टम दिया गया वो हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया, वरना कमेटी तो कई सारी आई यहाँ पर, अशोक मेहता यहाँ पर, जीवी के राव कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी, तो कई सारी कमेटी के द्वारा कई सारे सजेशन दिए गए, पर बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर, कई बार कमेटी के भी नाम दे देंगे और ईयर पूछ लेंगे कौन कौन से ईयर में कौन कौन सी कमेटी बनाई गई है, तो कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले तो पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करो, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया हमारी कंट्री में 1992 में, जिसके बेस पर पंचायती राज सिस्टम हमारे द्वारा बनाया गया, पार्ट 9th के तहत इसको रखा गया, तो टोटल मिलाकर 19 फंक्शनल आइटम है इसके अंदर जहां पर ये पंचायत काम करती है। आर्टिकल 243 के अंदर है, बेसिकली 243 में ओ तक यहां पर ये पहुंचेगा, फिर उसके बाद में म्यूनसिपैलिटी आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। तो एक्ट जो है यहां पर, इसके बारे में बात करें तो डेमोक्रेसी को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, ग्राउंड लेवल पर लोगों को एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में डाल देता है। अगर आप लोग इस तरीके से यहां पर देख रहे हैं तो हमारी कंट्री में सिस्टम अगर देखेगा तो यूनियन गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट होगी, तो लोकल गवर्नमेंट जो डिसाइड की जाती है वो म्यूनसिपैलिटी और पंचायत। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था म्यूनसिपैलिटी के लिए, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान का संशोधन था पंचायत के लिए, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बन गया, म्यूनसिपल काउंसिल बन गया और नगर पंचायत बन गया, यहां पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत बन गया, इंटरमीडिएटरी बन गया और विलेज पंचायत बन गया, तो ये आप लोगों को देखने को मिला। तो स्ट्रक्चर जो हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या बोलते हैं, जिला परिषद बोल देते हैं, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, तो ये इसी के नाम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। पर एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मैं आप लोग कई बार बता चुका हूं, ये आप लोगों को याद रखना है, देखिए जहां जहां पर पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं करते हैं वहां पर जो सिस्टम है उसको बोलते हैं PESA, ठीक है। तो यहां पर पंचायती राज सिस्टम जो है इसके बारे में बात करें तो यहां पर पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, तो जो शेड्यूल एरिया है उसमें पंचायत को कैसे एक्सटेंड करना है, तो पार्ट 9 वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होता है, पार्ट जो यहां पर 5th शेड्यूल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, इसी के चलते 6th शेड्यूल आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इनको इंप्लीमेंट किया जाते हैं। तो पीसा जो है यहां पर ये उन एरिया में इंप्लीमेंट किया गया जहां पर जो इसके जिसके प्रोविजन है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से, सेल्फ रूल की कैटेगरी वहां पर आ गई, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आ गई, यानी एक तरीके से जहां पर जो आज के डेट में यहां पर ट्राइबल कम्युनिटी वाला एरिया है तो वो थोड़ी ना जानते हैं कि हमारा संविधान है, कोई ऐसी चीजें हो तो अपनी जिंदगी को जंगलों के हिसाब से एंजॉय करते हैं, तो कैसे उनको बेसिकली सेव करने, उनकी ट्रेडिशन कस्टम सेव करने, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं डालते हैं और उनके डिसीजन लेने के हक उन्हीं को दे दिए, तो ये सिस्टम यहां से निकल कर आया। तो ये कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और 24th अप्रैल को यहां पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पंचायती राज डे, तो पंचायती राज दिसंबर जो डे है यहां पर फर्स्ट टाइम यहां था नेशनल पंचायती राज दिवस 2010 में बनाया गया, पार्ट 9th में है, मैंने बताया दिया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1992 में 1992 में, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले गया पंचायती राज जो है ऑलरेडी हमारे संविधान में है ये, तो ऑलरेडी हमारे संविधान में था ओरिजिनली नहीं, बाद में लाया गया अमेंडमेंट करके, मैं बताया ना पॉलिटी में जहां पर भी किसी आर्टिकल के आगे कैपिटल वर्ड में ABCD लिखा इसका मतलब अमेंडमेंट करके लाया गया है, और 11th शेड्यूल में यहां पर 29 सब्जेक्ट रखे गए इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये बेसिक जो मैंने चीजें अभी आप लोगों को बता दी है एक दो मिनट के अंदर, इससे आप लोग कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के सोल्व हो जाएंगे, तो इसलिए यहां पर ये छोटी छोटी चीजें आप लोग अगर याद रखोगे तो कभी कोई कंफ्यूजन निकलकर नहीं आएगा, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना। इसी के साथ में जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर आप लोग दीजिए। यहां पर बात की जा रही है रिश्ता पोर्टल के बारे में और स्वदेश के बारे में, तो कौन सी आंसर सही है यहां पर,
तो आंसर दोनों सही है। जो रिश्ता है यहां पर बेसिकली इसके बारे में याद रखिएगा, R I S H T A, ठीक है। तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, कनेक्ट करना इंडियन डायस्पोरा, यानी कि अपने देश के लोग जो दूसरे देशों में बाहर रहते हैं उनके साथ में कनेक्टिविटी की बात की जाती है, जिसके चलते चीजें देखने को मिलती हैं। और स्वदेश पोर्टल जो है यहां पर ये इन्फॉर्म करेगा सिटीजन को, रजिस्टर किया जाएगा प्लेटफॉर्म ताकि उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा जा सके कहां पर इंडिया के अंदर और बाहर लोगों के लिए जॉब है। तो इसके चलते आंसर क्या हो गया, आंसर आप लोगों का सी सही हो गया। तो यहां पर याद रखिएगा इसके बारे में क्वेश्चन है बेसिकली, अगर कंफ्यूजन में मत आना अगर क्वेश्चन ऐसा कोई बन जाए तो, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर इसके बारे में बात करें, जब कोई नदियां इस तरीके यहां पर ये इस तरीके की एक्टिविटी करती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको मेंडर्स बोलते हैं, यानी कि इस तरीके से अगड़म खड़म तरीके से चलना। ये यहां पर ऑक्सबो लेक क्या होता है, मान लीजिए ये क्या हुआ, यहां से कट कर यहां पर ये अलग रह गया, ठीक है, और ये यहां से निकलकर ऐसे नदी जाने लगी तो एक अलग से छोटी सी वाटर बॉडी बन गई, तो उसको ऑक्सबो लेक के नाम से भी जानते हैं। और डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, ये तो आप लोगों ने बताया, जोज क्या होता है ये आप लोगों को बताना है, ये क्वेश्चन है चलिए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में बताइए, एक बच्चा कहता है सर थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट डे होता है उसको भी बता दिया करो, वैसे तो आप लोगों का नैनो मैगजीन के अंदर होता है पर लेकिन अगर टाइम मिला करेगा मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में थोड़ा सा बता दिया करूंगा, यहां पर भी नैनो मैगजीन में तो डेली हम लोग कवर करते हैं, ठीक है, तो रिविजन हो जाया करेगा एक मिनट के अंदर थोड़ा सा अगर मुझे टाइम मिलेगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि जरूरी डिस्कस करूं क्योंकि ऑलरेडी कवर कर लेता हूं, तो अगर दोनों वीडियो नहीं देख पा रहे हैं आप लोग तो देखिए फिर कई सारी चीजें आप लोगों की छूट सकती हैं, ठीक है, क्योंकि कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि यहां पर एक तरीके से एक नहीं एक्स्ट्रा पॉइंट में बता के चला जाता हूं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखा होगा मैं हमेशा बोलता हूं दोनों वीडियो अगर पार्ट बना लो तो कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। 11 सितंबर को यहां पर नेशनल फॉरेस्ट जो मार्टर डे है, शहीद दिवस है, वो सेलिब्रेट किया जाता है यहां पर। इसी के देश पर इंटरनेशनल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा था, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। तो ये इंपॉर्टेंट थीम थी अब की बार की इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, यहां नेशनल के बारे में बात की जा रही है। तो अमृता देवी जो बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान के अंदर यहां पर बेसिकली एरिया था, कई सारे लोगों की जान चली गई थी जब पेड़ों को काटने की बात बोली गई, तो इनके द्वारा काफी बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। तो ये 1730 की बात की जा रही है और 2021 में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, तो आज तो कम से कम आप लोगों को पेड़ पौधों की इज्जत करनी चाहिए और ज्यादा, ठीक है। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा पहला सा डिस्कशन, कैसा रहा ये डिस्कशन इसके बारे में जरूर बताना, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो आप लोग जरूर क्लियर करना। कल जो है आप लोगों की वीडियो आने वाली है मंथली करंट अफेयर, ठीक है, तो मंथली करंट अफेयर वो जो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, ये अगस्त का डिस्कस करूंगा, तो आप लोगों का जो भी आगे एग्जाम आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को पहुंचाएगा। तो उसके लिए टाइमिंग क्या होनी चाहिए आप लोगों को टाइमिंग बता सकते हैं, ठीक है, क्या टाइमिंग सही रहेगी, ठीक है। मैं सोच रहा था कि लगभग मॉर्निंग में लेकर आया जाए उसको या फिर इवनिंग में, जो बताइए मॉर्निंग में 9 बजे या फिर इवनिंग में 3 या 4 बजे, आप लोग बताइए क्या सही रहेगा, 9 या फिर 3 या 4, तो ये स्टेटमेंट ये इसमें आप लोगों को बताना है, ठीक है। बाकी सारी पीडीएफ आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है, तो पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, यहां पर आप लोगों को सारी चीजें इकट्ठी एक जगह मिल जाती हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करें, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ एक छोटी सी बात, मैंने आप लोगों को बोला था एक तरीके से कि जो भी आप लोग ना एक तरीके से जो पीडीएफ जो आप लोगों को लगता है बची हुई है पुरानी, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना या फिर मेल पर भी आप लोग लिखकर मुझे बता सकते हैं, ताकि अगर जो भी चीजें आप लोगों की बची हुई हैं उसको पूरी करवा सकूं, क्योंकि एक बच्चे के द्वारा बोला गया था मुझे, मैंने बोला था ना कि मई मंथ की पीडीएफ, तो कौन सी पीडीएफ मई मंथ की, तो उसके बारे में मैंने पूछा था, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग देखना थोड़ा सा। और बाकी जो भी जो आप लोगों की जो ईयरली वीडियो बनाई थी उसको आप लोग जरूर देखिएगा, उसके 1 लाख से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा उससे होने वाला है। एक ऐसी वीडियो है जिसमें काफी कुछ डिस्कस किया गया है, और फिर से मैं बोल रहा हूं उस जो वीडियो को अगर आप लोग देखोगे तो अच्छे से उसको देखना, ताकि एक तरीके से जो ऑलरेडी जो चीजें आप लोगों ने कवर की है उसका रिविजन हो जाए। देखिए यार रिविजन अगर ढंग से करना सीख गए ना एक बार, फिर कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, तो रिविजन को अच्छे से आप लोग कर चलो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, तो वही बात है मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।